राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के 20 से ज्यादा शहरों में एटीएम बदलकर 10 से 12 लाख रुपए की ठगी करने का आरोपी यहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया। 20 साल का यह छात्र पुलिस कर्मी का बेटा है। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम कार्ड का क्लोन बनाने और रुपए निकालने का तरीका सीखा था। इसके बाद 7 महीने में 3 राज्यों में 21 वारदात को अंजाम दिया। चुरू पुलिस 2.5 महीने से उसका पीछा कर रही थी। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी मनीष 20 सीकर जिले के नौराना गांव का रहने वाला है। उसके पास से अलग अलग बैंकों के 20 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। सादुलपुर में 6 अप्रैल को एटीएम कार्ड बदलकर 1,89,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता के एटीएम कार्ड से हुए ट्रांजेक्शन की सभी जगहों की मोबाइल लोकेशन निकाली। कोटपुतली, राजगढ़, नूहर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सादुल शहर में हुई वारदात की लोकेशन निकाली तो एक ही मोबाइल नंबर इन सभी जगहों पर एक्टिव पाया गया। सबसे ज्यादा लोकेशन गाँव नौराना में और गंगानगर के सादुल शहर में पाई गई। इसी आधार पर मोबाइल नंबर ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मनीष मीणा के पिता श्रीगंगानगर में एसआई हैं और पुलिस लाइन में तैनात हैं। मनीष ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम में सेंध लगाने के तरीके सीखे। अगर कोई व्यक्ति एटीएम का इस्तेमाल करता था तो मनीष उसके कार्ड को क्लोन कर लेता था। फिर क्लोन किया गया कार्ड एटीएम मशीन में लगाता था और रुपए निकाल लेता था। मनीष ने अपने 2 दोस्तों के साथ हनुमानगढ़ जिले में 4, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर में 2-2, जयपुर में 4, अलवर में 2, पंजाब में 3 और हरियाणा में 2 एटीएम में सेंध लगाई। मनीष बीए फाइनल ईयर का छात्र है। दोस्तों, आपको हमारे दोबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।